दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर एक नया अपडेट आ गया है। अगर आप नया राशन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आप ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप भले किसी भी राज्य में रहते हो, तो अगर राशन कार्ड के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। दोस्तों, ये वेबसाइट नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, NFSA। दोस्तों, इसी वेबसाइट के जरिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे पाएंगे। चलिए, देर न करते हुए डायरेक्ट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक ही गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, साइन इन इन रजिस्टर। आपको इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है। इस ऑप्शन पर आने के बाद आपको दो ऑप्शन शो करेंगे, आपको पब्लिक लॉगिन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप पब्लिक लॉगिन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके का आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाते हैं। आप अपने आधार कार्ड से भी यहां पर एप्लीकेशन दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करके भी कर सकते हैं और आप राशन कार्ड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर न्यू यूजर हैं इसलिए हमें न्यू यूजर पर क्लिक करना होगा। चलिए, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाता है। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है रजिस्टर न्यू यूजर। हम न्यू यूजर हैं इसलिए हमें यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या भरना है, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको फिल कर देना है, लास्ट नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है अगर कोई हो तो। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देनी है, इस पर क्लिक कीजिए। आप मेल फीमेल जो भी हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी बनानी होगी और यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना होगा। लॉगिन आईडी कैसे बनानी है और किस काम आएगी ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो लॉगिन आईडी यहाँ पर क्रिएट कीजिए, यहाँ पासवर्ड क्रिएट कीजिए और उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में भी फिल कर दीजिए। इसके बाद आपको यही एक ऑप्शन आता है, आपको इसी को सेलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दे देना है, यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर दे देना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी भी भर देनी है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, आप जिस भी स्टेट में रहते हो वो राज्य यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, इस पे क्लिक करेंगे, डिस्ट्रिक्ट की पूरी लिस्ट आती है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है, तहसील के बाद यहाँ पर आप विलेज एंड टाउन आपका जो भी पड़ता हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस वाली लाइन में आपको एड्रेस फर्स्ट लाइन, यहाँ पर अपना मकान नंबर वगैरह जो भी हो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर लैंडमार्क, लोकेलिटी, कॉलोनी नाम जो भी हो यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड नंबर देना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चर कोड जो भी हो वो कैप्चर कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और इसके बाद रिमार्क में आप जो चाहें यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। यहाँ पर इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए आपको ये जो दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इस पे आपको टिक मार्क लगा देना है। दोनों बॉक्स को टिक करने के बाद अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ कुछ लोडिंग ले रहा है। अब हमारे आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे एक वन टाइम पासवर्ड आया है, उसको आपको यहाँ फिल करके सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉगिन आईडी जो आपने बनाई है वो लॉगिन आईडी यहाँ पर आपको फिल करनी है, पासवर्ड फिल करना है, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करना है, देन आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राशन कार्ड ऑफ अदर, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आ जाएंगे, आपको न्यू राशन कार्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपके सामने ये नया फॉर्म ओपन हो जाता है। देखिए, लिखा है न्यू राशन कार्ड एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल वगैरह देनी होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे, जब आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आइए तो लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपके लिए फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब